अनुया यादव और आज से 3 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने शपथ ली थी और इससे पहले 10 साल तक यूपीए का शासन था। 10 साल बाद एक दूसरे संगठन को सरकार बनाने का मौका मिला और उससे भी बड़ी बात ये कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने खुद अपने दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की। लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के लिए होती है और जनता को यह भी अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार के कामकाज की समीक्षा करें। जी बिजनेस मोदी एट 3 की सीरीज में सरकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फैसलों का विश्लेषण करता अहम रहा है और इसी कड़ी में हमने जनता से एक मेगा पोल भी किया। जी बिजनेस से दर्शकों ने इस मेगा पोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार के कामकाज पर अपनी राय भी दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 26 मई 2014 स्थान राष्ट्रपति भवन, कार्यक्रम प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। आज से ठीक 3 साल पहले एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी। वो ऐसे लाखों उम्मीदें और सपनों को लेकर आए थे जिससे हर भारतीय ने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने काफी जो बेसिक बहुत सालों से अटके हुए कोई कानून थे, जैसे जीएसटी, जिससे अब एक वन कॉमन मार्केट बन सकता है देश, इसके ऊपर उन्होंने जोर लगा कि वो जीएसटी का मामला हल कर दिया और अब जीएसटी एक रियलिटी जल्दी जुलाई में बनेगी। मेरे ख्याल से ये आर्थिक व्यवस्था की तरफ उन्होंने थोड़ा सा कम नज़र पड़ी है और इस तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। लोकतंत्र में सरकार बनती है तो जनता को यह भी अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार के कामकाज का विश्लेषण भी करे। इसी कड़ी में जी बिजनेस ने जनता से कुछ सवाल पूछे और जनता की राय के आधार पर 3 साल के कामकाज का विश्लेषण पेश कर रहा है। हमने जनता से कुल 10 सवाल पूछे और उन्हें एक पोल में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। जी बिजनेस के दर्शकों ने रोज इन सवालों का SMS के जरिए जवाब दिया। हमारा पहला सवाल था, क्या आपको लगता है कि पिछले 3 सालों में भारत की आर्थिक हालत सुधरी है? हमारा दूसरा सवाल था, क्या नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है? हमारा तीसरा सवाल था, क्या PM मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ा है? हमारा चौथा सवाल था, क्या आप मोदी सरकार के नई नौकरियां उपलब्ध कराने के कदमों से संतुष्ट हैं? हमारा पांचवा सवाल था, अगर आज चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट करेंगे? हमारा छठा सवाल था, मोदी सरकार में सबसे अच्छा काम करने वाला मंत्री कौन है? हमारा सातवां सवाल था, मोदी सरकार की कौन सी योजना सबसे अच्छी है? हमारा आठवां सवाल था, क्या आप मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम को सही मानते हैं? हमारा नौवां सवाल था, क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई बढ़ी है? और हमारा 10वां सवाल था, क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और चीन के प्रति भारत के रवैये को सही मानते हैं? अगले 1 घंटे में हम इन 10 सवालों का आपको रिजल्ट बताएंगे और एक्सपर्ट से उनके कमेंट भी लेंगे। और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। नरेंद्र तनेजा लीडर हैं, BJP के हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही सुनील सिन्हा प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स के, वो भी इस बहस में शामिल हो रहे हैं, और मीम अफजल साहब कांग्रेस के लीडर हैं वो भी हमारे साथ हैं, TV मोहनदास पाई चेयरमैन हैं आयरन कैपिटल के, और साथ ही साथ मेरे साथ राकेश बियानी साहब जुड़ गए हैं, ज्वाइंट MD हैं फ्यूचर रिटेल के। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। लेकिन चलिए अब सबसे पहले वो सवाल हम देख लेते हैं जो हमने अपने दर्शकों से यहां पर पूछे थे। तो हमारा सबसे पहला सवाल दर्शकों के लिए ये था कि क्या आपको लगता है कि पिछले 3 साल में देश की आर्थिक हालत सुधरी है? और कई
लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया, हमें बहुत सारे लोगों के SMS और फेसबुक पोल के जरिए जवाब भी यहां पर आए। लेकिन चलिए सबसे पहले सुनील सिन्हा आपके पास चल देते हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के। सर, क्या आपको यहां पर लगता है कि देश की आर्थिक हालत में पिछले 3 सालों में सुधार आया है, और कितना सुधार आया है अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि GDP के नंबर्स तो यहां इंप्रूव जरूर देखते हैं। मिस्टर सिन्हा, कैन यू हियर मी? चलिए सुनील सिन्हा साहब के पास हम जरूर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मीम अफजल साहब के पास चल लेते हैं। सर, GDP के जो आंकड़े हैं वो पिछले 3 साल में जो सुधरे हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन क्या विपक्ष भी ये बात मानता है कि 3 साल में आर्थिक हालत देश की सुधरी है? मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं और मैंने आपके चैनल पर आने से पहले ही ये बात कह दी थी कि मैं इकोनॉमिक इश्यूज पर उतनी जानकारी नहीं रखता, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। ये GDP और इस तरह के जो आंकड़े हैं, इसके बारे में एक आम राय आजकल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो अपने तौर पर कुछ ऐसे आंकड़े पेश कर रही है जो शायद दुरुस्त नहीं है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जो बात सुनी है मैं वो कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि GDP सुधरा है या नहीं सुधरा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी की हालत सुधरी है नहीं सुधरी है। अगर देश के अंदर विकास हुआ है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ है, तो लोगों की हालत सुधरनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं यहाँ पर आपके चैनल पर बैठकर कोई इकोनॉमिक फोरम पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि इसको एक आम आदमी आपका ठीक है मीम अफजल साहब, लेकिन ये देखना चाहता है जी कि उसका विकास कितना हुआ। ठीक है ठीक है। नरेंद्र तनेजा साहब यहाँ पर, मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आंकड़े बहुत अच्छे से नहीं समझता, लेकिन वो ये मानते हैं कि आम आदमी का विकास जितना होना चाहिए वो विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। कुछ कहेंगे आप? नहीं, मीम अफजल साहब ने खुद कहा कि भाई उन्होंने ऐसा सुना है, ऐसा सुना ना, उन्होंने कहा उनको आर्थिक मामलों की इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ उस बात का, लेकिन हकीकत जो है वो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, वो सारे लोग जानते हैं जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, एक आम आदमी जानता है। सबको पता है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था कहाँ, पहले पॉलिसी पैरालिसिस होता था, पॉलिसी इनएक्शन होता था, इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आना जाना चाहता था, फैसले नहीं हुए जाता था, चारों तरफ स्कैम स्कैंडल का माहौल था, सब बदल गया। आज माहौल किस बात का है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, हाई ग्रोथ की बात हो रही है। आज ही के अखबारों में डेटा आया जो भारत ने नहीं दिए, विदेशी एजेंसीज दे रही हैं, फाइनेंशियल टाइम्स दे रहा है कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा FDI आया, 66 बिलियन, अमेरिका से भी ज्यादा और चीन से भी ज्यादा, पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। अब एक जमाना था, आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में, कि ये था कि अरहर की दाल नहीं मिल रही, आज इतना उत्पादन हो गया अब समझ में नहीं आ रहा उसका करेंगे क्या। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, चारों तरफ उठा करके जब देखते हैं हमारे देश के अंदर का माहौल पॉजिटिव इतना ज्यादा सब बन गया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हमारा एनर्जी सेक्टर हो, बिजली की स्थिति हो, अच्छा उसके अंदर सारा एक से ये सारा जो वो बढ़ रहा है। अफजल साहब ने खुद का वो नहीं समझ पाते आर्थिक, लेकिन आम आदमी समझ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के वो लोग भी प्राइवेट मीटिंग में मान रहे हैं कि इतना जबरदस्त डेवलपमेंट आप लोगों ने 3 साल में कर दिया, जो कि हमारे टाइम में क्या पॉलिसी पैरालिसिस स्कैम स्कैंडल ये होता था। आज देश की छवि देखिए बन चुकी है, क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन वो भारत है। ठीक है, नरेंद्र जनेजा जी एक बार जरा दर्शकों ने क्या कुछ राय दी इस पर, क्या कुछ जवाब दिए, ये हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पर दिखा देते हैं। इस पोल में हमने ये कहा था कि आप हाँ नहीं कुछ हद तक सुधरी है और कह नहीं सकते, ये ऑप्शंस हमने दिए थे। 80% लोगों ने यहाँ पर ये माना है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद देश की आर्थिक हालत में सुधार आया है, पिछले 3 साल में सुधार आया है। 80% जनता ये बात यहाँ पर मानती है, साथ ही साथ 10% इसे जरूर नकार रही है। नंबर्स हम सबके सामने हैं और शायद ये बात भी जनता बहुत अच्छे से समझती है। 9% लोग कहते हैं कि कुछ हद तक सुधरी है, और 1% लोग यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए दूसरा सवाल जो हमने यहाँ पर जनता से पूछा, वो सवाल भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। हमने ये पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पद को संभालने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं। देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन,
क्या पीएम के यहाँ पर, क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं? मीम अफजल साहब के पास चलेती हूँ। मीम अफजल साहब, इसका जवाब तो देना चाहेंगे ना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक भ्रष्टाचार स्कैम की बात है, कांग्रेस के ऊपर हमेशा इल्जाम लगाती रही भारतीय जनता पार्टी। मैं इनके कम से कम 14 स्कैम्स बता सकता हूं जो इस दौरान में हुए हैं, 3 साल के अंदर जो सामने आए, उसका आप ज़रा सा, मैं ब्यौरा बहुत लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ नाम बताऊंगा उसके। व्यापम स्कैम, छत्तीसगढ़ पीडीएस स्कैम, 36,000 करोड़। ललित गेट, उसके बारे में भी आपको पता है। द ग्रेट विजय माल्या एस्केप्ड, और उसके साथ साथ 20,000 करोड़ GSPC स्कैम ऑफ गुजरात, अनार पटेल रिलेटेड गुजराल लैंड स्कैम, 450 करोड़ वर्थ अरुणाचल डैम स्कैम जिसमें किरण रिजिजू के एक भाई इसमें इन्वॉल्व हैं, दाल का क्राइसिस जिसका अभी बहुत आजकल चर्चा भी है और आप सब लोग जानते हैं, 45,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम ऑफ राजस्थान। नरेंद्र तरेजा, अब ये जानना बेहद जरूरी है कि जनता ने यहाँ पर कितने लोगों ने हाँ बोला है, कितने लोगों ने ना बोला है, क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? देखिए, 82% लोग ये बात मानते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी के पीएम पद को संभालने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं। 9% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, कुछ हद तक यहाँ पर कम जरूर हुआ है, और केवल 4% लोग, साफ दिखाता है यहाँ पर जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और मान लिया है कि आपने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली और 82% पर मुहर लगा दी, यहाँ पर भ्रष्टाचार यहाँ पर कम हुआ है। एक और सवाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये तीसरा सवाल है जो हमने जनता से यहाँ पर पूछा था कि क्या पीएम के नेतृत्व संभालने के बाद दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये सवाल भी जनता से पूछा गया। जनता ने क्या कुछ जवाब दिया, ये आपको हम यहाँ बताएंगे। हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, ये 3 ऑप्शंस ए, बी और सी हमने अपने दर्शकों से यहाँ पर पूछे थे। लेकिन विपक्ष से एक बार फिर जान लेते हैं कि यहाँ पर जो दुनिया भर में भारत का रुतबा है वो बढ़ा है या नहीं। नीम अफजल साहब, क्या कहेंगे? 10 साल तक आपकी सरकार जो है वो सत्ता में यहाँ पर थी, देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने 45 देशों का दौरा यहाँ पर 57 बार किया, ये हमने एक आंकड़ा अपने दर्शकों को कल दिखाया था। वोट क्या कुछ कहता है, जनता क्या कुछ सोचती है, पहले मैं आपको नरेंद्र तनेजा, आई कम टू यू, लेकिन देखिए जनता क्या कुछ सोचती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? हाँ, ये हमने एक ऑप्शन दिया था, नहीं दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन नहीं कह सकते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, 90% लोगों का ये यहाँ पर मानना है कि हाँ, भारत का रुतबा बड़ा है। मीम अफजल साहब, मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। दुनिया भर में आपने सबसे पहले पाकिस्तान और चीन को यहाँ पर गिनने की जो कोशिश की, या फिर जिसका नाम आपने सबसे पहले लिया, आपका जवाब आपके सामने यहाँ पर है। और इसी सवाल के जवाब में मैं सुनील सिन्हा साहब से पूछ लेती हूँ। सुनील सिन्हा साहब, आप प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं, आप क्या कहेंगे सर इस पर कि पीएम मोदी ने जो कुछ भी दौरे किए, क्या आपको लगता है पर्सनली कि उससे भारत की छवि यहाँ पर दुनिया भर में सुधरी है, और हाँ, वो रुतबा जो भारत को मिलना चाहिए था, वो मिला? मुझे दीजिए एक सेकंड। राहुल गांधी महीनों गायब रहते, घूमने वो जाते हैं, आप मुझे मौका दीजिए, प्रधानमंत्री काम से जाते हैं, राहुल गांधी महीनों गायब हो जाते हैं, इनके नेता, बड़े नेता छोटे से इलाज के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं, घूमने तो ये जाते हैं। इतने घटिया आरोप लगाते हैं आज भी पता नहीं वो कहां घूम रहे हैं। एक मिनट सर, आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए। ठीक है,
एक चौथा सवाल जो हमने जनता से पूछा वो भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। आप बताइए कितने महीना गायब रहे राहुल गांधी, कितना बताएं। मीम अफजल साहब, मेरे ख्याल से आप बहस को किसी और एंगल में ले जा रहे हैं। जो हमने सवाल पूछे जनता से उसका जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो जनता ने जो अपनी राय रखी है वो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक चौथा सवाल जो हमने जनता से पूछा वो ये कि क्या आप मोदी सरकार की नई नौकरियां उपलब्ध कराने के कदमों से संतुष्ट हैं? एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे यूथ का बहुत मेन फोकस रहा है, इस पर तमाम तरह की बातें होती रही हैं, ये भी हमने जनता से जानने की कोशिश की। रिजल्ट यहां पर आपको दिखा देंगे कि जनता क्या कुछ यहां पर सोचती है। देखिए क्या कुछ सोचती है जनता जब नौकरियों की बारी आती है। तो हमने जो ऑप्शंस यहां पर जनता को दिए उसमें 40% लोग कहते हैं हाँ हम संतुष्ट हैं, लेकिन 52% लोग यहां पर ये सोचते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, शायद सरकार को यहां पर इस बाबत गौर करने की जरूरत है क्योंकि यहां पर जनता खुश नहीं है इस बात से। एक और सवाल जो हमने जनता से पूछा कि अगर आज चुनाव होते तो आप किसे वोट देते? 2019 में अभी 2 साल बाकी है। ऑप्शन हमने जनता को यहां पर दिया ए बीजेपी, बी कांग्रेस, सी तीसरा मोर्चा और डी आम आदमी पार्टी। ये 4 ऑप्शंस जनता को दिए गए थे। जवाब बेहद दिलचस्प, आप अपने आप ही स्क्रीन पर नजर गाड़ लीजिए और देख लीजिए कि यहां पर करीब करीब 82% जनता, माफ कीजिएगा 83% जनता ये बात मानती है कि आज भी 3 साल बाद भी हम बीजेपी को ही यहां पर वोट देते हैं। और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं। 3 साल पहले जो नंबर शायद बीजेपी को मिले थे उससे कहीं ऊपर का नंबर है ये। और नरेंद्र तनेजा, आपको शायद अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, आपकी पार्टी के लिए भी क्लैपिंग यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस, मीम अफजल साहब, क्या ये सोचते हैं कि अब समय आ गया है? देखिए जो नंबर्स है यहाँ पर या जो जनता सोचती है वो हमने रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जनता के सामने रख दी है। और अब शायद 2 साल का वक्त बचा है। 2019 की तैयारी बीजेपी ने तो शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने क्या तैयारी की है सुपड़ा साफ करने की अपना ही? अनुया जी, मैं आपके सर्वे के बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। आपका जो पूरा चैनल है उसका जो रुख रहता है उस पर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आपके सर्वे के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, ये आपका अपना सर्वे है, पता नहीं कितने पढ़े लिखे लोग थे इसके अंदर, कितने कॉमन आदमियों से आपने बात की, इसके बारे में कुछ डिटेल आपने बताई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये सर्वे जो है वो मैं उसको सही नहीं मानता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर कि आप ये सर्वे बहुत सारे करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, तो आपका रिजल्ट आमतौर पे 80-90% ही आता है। मीम अफजल साहब, मेरे ख्याल से कांग्रेस आज की डेट में अगर यहाँ सड़क पर उतरकर भी जनता से यहाँ पर जानने की कोशिश करेगी किसी भी पार्टी के बारे में, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी इंक्लूड कर लेती हूँ, तो भी वो बता देगी कि वो क्या कुछ सोचती है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, मैं अगला सवाल अपने दर्शकों से जो हमने पूछा वो बताऊंगी। लेकिन देखिए मीम अफजल साहब, हमने जनता से जो जवाब मांगे थे उसका SMS के थ्रू हमें यहाँ पर ये जवाब आए हैं और ये पोल उसी SMS के नतीजे हैं। 6ठा सवाल जो हमने जनता से यहाँ पर पूछा वो भी हम आपको बता देते हैं। मोदी सरकार में सबसे अच्छा काम करने वाला मंत्री कौन है? यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री अच्छे हैं, अरुण जेटली साहब अच्छे हैं, या फिर यहाँ पर सुरेश प्रभु साहब अच्छे हैं, सुषमा स्वराज जी अच्छी हैं, यहाँ पर पीयूष गोयल साहब अच्छे हैं, या फिर एक और बड़ा चेहरा राजनाथ सिंह? इन 6 मंत्रियों में से जनता का फेवरेट कौन है ये हमने जानने की कोशिश की। अरुण जेटली साहब को 25% यहाँ पर नंबर दिए गए, पीयूष गोयल और सुषमा स्वराज को भी यहाँ पर 25% दिए गए, लेकिन सबसे कम नंबर राजनाथ सिंह को साहब का आपको दिए गए। तो पीयूष गोयल, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, ये 3 बड़े सरकार के वो चेहरे जिन्हें जनता ने यहाँ पर 25% नंबर दिए। एक और सवाल जो हमने जनता से यहाँ पर पूछा कि मोदी सरकार की कौन सी सबसे अच्छी योजना है? पिछले 3 सालों में जो भी योजना आई, मेक इन इंडिया हो, जनधन योजना हो, डिजिटल इंडिया हो, ये तमाम जो योजनाएं सरकार यहाँ पर लेकर आई, स्वच्छ भारत जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, इन सबके बीच जो देश को पसंद आने वाली
मेरे ख्याल से योजना थी, वो सबसे पहली डिजिटल इंडिया, कैसे देश डिजिटाइज हुआ है, कैसे यहाँ पर आप अपना फ़ोन को, अगर अपना मोबाइल में अगर आपके पास आपका हाईटेक मोबाइल है तो आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैसे सब कुछ डिजिटाइज हो गया है, ये जनता को सबसे ज़्यादा पसंद आया। मेक इन इंडिया को 22% यहाँ पर जनता ने नंबर दिए। एक और सवाल हमने जनता से जानने की कोशिश की कि क्या आप नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम को सही मानते हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। नोटबंदी को लेकर सरकार की किरकिरी खूब हुई, यहाँ पर विपक्ष ने बहुत तीखे सवाल भी दागे, लेकिन जनता क्या सोचती है वो बेहद ज़रूरी है। ये वही जनता थी जो लंबी लंबी लाइन में लगी रही ATM के बाहर, बैंकों के बाहर, और उसके बावजूद भी आप अपना जवाब टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 60% लोगों ने माना कि हाँ, जो डीमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया वो यहाँ पर पसंद किया गया। एक और सवाल जो जनता से हमने पूछा वो ये कि क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई बढ़ी है। हमने ये नहीं पूछा कि कम हुई, हमने पूछा कि क्या महंगाई बढ़ी है, क्या आपको हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये जब सवाल पूछा गया तो देखिए एक और जवाब जो यहाँ पर जनता ने दिया वो कुछ इस तरह से था। सर, जनता ने मांगा, जनता ने 83% जनता ने कहा कि हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद महंगाई बढ़ी है। और इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि 1 जुलाई से GST लागू होने की सरकार यहाँ पर तैयारी कर रही है, उसके बाद चीज़ों के दाम किस तरह से आते हैं ये भी देखना होगा। आखिरी सवाल जो पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और चीन के प्रति भारत के रवैये को सही मानते हैं, भारत ने जो कदम यहाँ पर उठाए हैं पाकिस्तान और चीन को लेकर उसके बारे में देश की जनता क्या सोचती है, ये भी जब हमने पूछा तो सुनिए और देखिए जनता की राय यहाँ पर। जनता ने यहाँ पर माना कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो रवैया भारत आज अपना रहा है वो बिल्कुल सही है। 100% लोगों ने यहाँ पर ये माना कि हाँ, पाकिस्तान और चीन के साथ जो भी रवैया भारत ने अपनाया है वो बिल्कुल सही है। चलिए, 3 साल सरकार ने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, 2 साल अभी बाकी है और 2019 की तैयारी भी सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दी है। और मेगा पोल जो हमने यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाया है, 10 सवाल यहाँ पर पूछे और जनता की राय, जनता क्या को सोचती है, ये भी आपके सामने हमने यहाँ पर रखा। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा समय की कमी है इसलिए शो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। मीम अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, नरेंद्र तनेजा थैंक यू सो मच, और सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।